नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर करना सीखेंगे। तो जो हमारा शेयर ट्रांसफर होगा वह सीडीएसएल टू सीडीएसएल होगा, तो इस बात पे बिल्कुल ध्यान रखें। तो जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो जो इजी टू इजीएस्ट में अपग्रेड करने वाला अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देख ले जाकर ये, क्योंकि उसके आगे का प्रोसेस है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको सर्च टैब पर सर्च करना होगा सीडीएसएल, फिर आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर आपको लाल बॉक्स के अंदर लिंक दिखाई दे रहा होगा, सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। तो आपको सीधे उस पर क्लिक कर देना है, फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको ऊपर की ओर लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लॉगिन का बटन, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने पॉपअप विंडो खुल के आएगी, तो आपको लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा माई इजी न्यू टोकन का विकल्प, तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको नीचे की ओर दिखाई देगा दाएं साइड में लॉगिन का बटन, तो आपको सीधे उस पर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले वाले पेज पे आ जाएंगे, तो आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड आपको जो इजी वाला था तो आपको वही यहाँ पे अंकित करना है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो हम चलिए यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे सीधे। कि आप देख सकते हैं हमने अकाउंट में सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुके हैं। तो आपको ऊपर की ओर दाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ रजिस्टर्ड फॉर इजीएस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे अपने अकाउंट को यहाँ पे अपग्रेड कर चुके हैं इजी से इजीएस्ट में, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो अब हमें यहाँ पे अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो और यहाँ पे एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पे अपनी BOID भी यहाँ पे ऐड कर ली है, जिसमें हमें यहाँ पे शेयर ट्रांसफर करने हैं जिस डीमैट अकाउंट में। बस हमें यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ये करेंगे आगे के प्रोसेस में कि हम अपनी जो BOID है उसे हम यहाँ पे लिंक करेंगे अपने इस डीमैट अकाउंट के साथ, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो हम चलिए हम उसी के आगे के प्रोसेस करने वाले हैं। तो आपको ऊपर की ओर बाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स, जहाँ पे आपको तीन लाइनें दिखाई दे रही होंगी, तो आपको सीधे उस पर क्लिक कर देना है। अगर आपके सामने ऊपर से पेज खुल के आएगा तो आपको लाल बॉक्स के अंदर ट्रांजेक्शन का विकल्प दिखाई देगा, तो आप उसमें क्लिक करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अन्य विकल्प नीचे खोल के आएंगे, तो आपको लाल एरो से यहाँ पे दर्शाया जा रहा है लिखा हुआ है जहाँ पे बीओ लिंकिंग, तो आपको सीधे उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको बाएं साइड में पेज को यहाँ पे खिसकाना है। आपको यहाँ पे दो विकल्प दिखाई देंगे, तो आपको लाल बॉक्स के अंदर जो विकल्प दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ बीओ लिंकिंग सेटअप, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे, तो आपको बायर बीओ में दिखाई दे रहा होगा, एक दिखाई दे रहा होगा सीडीएसएल और दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा एनएसडीएल। तो हम यहाँ पे सीडीएसएल से सीडीएसएल में भेज रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे सीडीएसएल विकल्प पहले से यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो हम उसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमारा जो जीरोदा का डीमैट अकाउंट है वो सीडीएसएल में, और जो हमारा धन का डीमैट अकाउंट है वो भी यहाँ पे सीडीएसएल में। तो जो हम यहाँ पे शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं वो जीरोदा से धन में कर रहे हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो हम यहाँ पे जो यहाँ पे BOID ऐड करेंगे वो यहाँ पे हम अपनी धन की ऐड करेंगे, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एंटर BO। तो यहाँ पे जो हमारी 16 अंकों की BOID होती है धन की, वो हम यहाँ पे अंकित कर देंगे, क्योंकि हम वहाँ उसमें सेंड करने वाले हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एंटर पैन, तो एंटर पैन में हमारा यहाँ पे क्योंकि डीमैट अकाउंट सेम है तो हमारा पैन नंबर भी सेम होगा, तो हम वो यहाँ पे अंकित कर देंगे। और उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा दाएं साइड में सबमिट का बटन, तो आपको सीधे उस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी, तो आपको उसमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा बीओ सेलर बायर लिंक सेटअप सक्सेसफुल। फिर उसके बाद आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा दाएं साइड में ओके का बटन, तो आपको सीधे उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप उसी वाले पेज पे वापस आ जाएंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक लिंक आएगा वेरिफिकेशन के लिए, आपको अपने बेनिफिशियरी को वेरीफाई करना है। तो चलिए हम सीधे उसी ईमेल पे चलते हैं। बाद आपको सीडीएसएल की तरफ से जो आपको ईमेल प्राप्त होगा जो आपको अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे डीमैट अकाउंट नंबर दिखाई देगा जो हमारे यहाँ पे धन का डीमैट अकाउंट नंबर है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें जिसको हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं जिसकी BOID को। और आपको यहाँ पे एक वेरिफिकेशन लिंक दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही अगर आपको ये ईमेल प्राप्त होता है तो आपको तुरंत इसको ओपन नहीं करना है, इसको यहाँ पे आपको 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ पे ओपन करना है, जिससे यहाँ पे जो यहाँ पे हमारी वेबसाइट है वो यहाँ पे फेल ना हो, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आप क्या करना होगा, जो आपको लाल बॉक्स के अंदर जो लिंक दिखाई दे रहा है तो आप सीधे उस पर टैप कर देंगे। आप यहाँ पे अगले वाले पेज पे आ जाएंगे, तो आपको ऑथेंटिकेशन के लिए आपको यहाँ पे दो विकल्प दिखाई दे रहे होंगे, एक दिखाई दे रहा होगा पैन का और दूसरा आपको यहाँ पे डीमैट अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर अंकित नहीं करना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे डीमैट अकाउंट होते हैं जिसमें हमारे एक ही पैन से यहाँ पे सब लिंक होते हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो जिसमें यहाँ पे हमें यहाँ पे जो सिस्टम होगा उसको यहाँ पे फेच करने में दिक्कत हो जाएगी, तो आपको सबसे अच्छा विकल्प यहाँ पे ये रहेगा कि आपको जिस डीमैट अकाउंट से यहाँ पे शेयर को भेजना है तो आप उसी डीमैट अकाउंट नंबर का यहाँ पे भेजेंगे, मतलब अंकित करेंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे हम यहाँ पे जीरोदा का डीमैट अकाउंट से यहाँ पे शेयर भेजने वाले हैं, तो हम यहाँ पे जीरोदा का डीमैट अकाउंट नंबर पहले यहाँ पे अंकित कर देंगे, और फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा सबमिट वाला बटन, तो आपको सीधे उस पर क्लिक कर देना है। बाद आपको नीचे की दूसरा पेज खुल के आएगा, तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ बीओ बायर सेलर लिंक,
तो आपको यहाँ पे नीचे की ओर बाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा एक खाली डब्बा, तो आपको सीधे उसमें टिक कर देना है, और आपको दाएं साइड में उसकी अन्य जानकारी भी दिखाई देगी। तो आपको जैसे सेलर बी ओ आई डी में आपकी जो जीरोधा की बी ओ आई डी वो है जिससे हम यहाँ पे शेयर भेजने वाले हैं, और आपको लाल रंग से जिसको हमने ऐड कर रखा है जहाँ पे लिखा है बायर बी ओ आई डी वो हमारी धन की बी ओ आई डी है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आपको नीचे की ओर दिखाई देगा आपको यहाँ पे जनरेट ओ टी पी का बटन, तो आपको सीधे उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओ टी पी आएगा, आपको ओ टी पी यहाँ पे नीचे अंकित कर देंगे, और उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट वाला बटन, तो आपको सीधे उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी, तो आपसे यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे आप यहाँ पे कंसेंट दे रहे हैं बी ओ सेलर लिंक को यहाँ पे वेरीफाई के लिए। तो आपको यहाँ पे ओके वाला जो यहाँ पे हरे रंग से बटन दिखाई दे रहा है आपको जहाँ पे लिखा हुआ है ठीक, तो आपको सीधे उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला यहाँ पे पॉप विंडो खुल के आएगी, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन है सफलतापूर्वक हो गया है, तो आपको यहाँ पे हरे रंग से ठीक वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसमें क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से आप अपने वापस उसी वाले पेज पे आ जाएंगे, तो आप इसको क्रॉस कर देंगे, और उसके बाद आप वापस से अपने सी डी एस एल वाले अकाउंट पे आप वापस आ जाएंगे। आप देख सकते हैं वापस अपने अकाउंट में आ चुके हैं, तो अब हम यहाँ एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा जो बीओ लिंक हुआ है सफलतापूर्वक हो गया है कि नहीं हो गया है। तो आपको ऊपर की ओर बाएं साइड में लाल बॉक्स के अंदर तो तीन लाइनें दिखाई दे रही होंगी, तो हम फिर से उसमें टैप कर देंगे। उसके बाद आपके सामने दूसरे विकल्प खुल के आएंगे, तो आपको यहाँ पे सफेद बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा ट्रांजेक्शन का विकल्प। जैसे आप ट्रांजेक्शन के विकल्प में क्लिक करेंगे तो आपको दूसरे अन्य विकल्प खुल के आएंगे नीचे की ओर, तो आपको वहां पे दिखाई देगा यहाँ पे बीओ लिंकिंग का विकल्प, तो आपको सीधे उसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें बीओ लिंकिंग को क्लिक करेंगे तो आपको पेज को बाई ओर यहाँ पे खिसकाना है। जैसे ही आप खिसकाएंगे तो आपको यहाँ पे दो विकल्प दिखाई देंगे, तो आपको नीचे या दूसरा वाले जो लाल बॉक्स के अंदर विकल्प दिखाई दे रहा होगा बीओ लिंकिंग इंक्वायरी एंड डी लिंक, तो आपको सीधे उस पर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे, तो आपको दिखाई देगा जो हमारे यहाँ पे बीओ लिंक है सफलतापूर्वक हो गया है, तो आपको लाल बॉक्स के अंदर दाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा वेरीफाइड, और उसके ऊपर आपको एक बार डी लिंक दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमने जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आपको 2 से 3-4 मिनट या 5 मिनट तक यहाँ पे रुकना है, उसके बाद आपको यहाँ पे वो वाला प्रोसेस शुरू करना है। तो उसी वजह से हमारा ये प्रोसेस यहाँ पे फेल हो गया था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे इसको डी लिंक करना पड़ा था। तो हमारे यहाँ पे सफलतापूर्वक वेरीफाई हो गया है, तो अब हम यहाँ पे शेयर जो ट्रांसफर का प्रोसेस है हम यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं। अब तो आपको ऊपर की ओर बाएं साइड में सफेद बॉक्स के अंदर तीन लाइनें दिखाई दे रही होंगी, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आपको ऊपर से पेज खुल के आएगा, तो आपको सफेद बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा हो ट्रांजेक्शन का विकल्प, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आपको नीचे की ओर अन्य विकल्प खुल के आएंगे, तो आपको सफेद बॉक्स के अंदर दिखाई देगा सेटअप का विकल्प, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। बाद आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी, तो आपको उसमें दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ कि जो हमारे ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको नीले रंग से दाएं साइड में एक ओके वाला बटन दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर, तो आपको सीधे उस पर टैप कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे, तो आपको नीचे की ओर बाएं साइड में नीले रंग से दिखाई दे रहा होगा बल्क सेटअप का बटन, लाल एरो से दर्शाया जा रहा है, तो आपको सीधे उस पर टैप कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे, तो आपको बाएं साइड में ट्रांजेक्शन का विकल्प जैसे ऑटो सिलेक्ट है उसको वैसे ही रहने देना है। उसके नीचे आपको दिखाई देगा बाय सेल फ्लैग, तो आपको उसमें सेल वाला विकल्प है जो ऑटो सिलेक्ट है हमारा, तो उसको भी आपको वैसे ही रहने देना है। और उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा जो सेलर का बीओ आईडी है हमारा, जो हमारा यहाँ पे जीरोधा का बीओ आईडी है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो डेबिट अकाउंट है वो हमारा यहाँ पे दिखाई देगा। और फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा एग्जीक्यूशन डेट, जिस दिन हम यहाँ पे शेयर को ट्रांसफर करने वाले हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको जो शेयर को ट्रांसफर करना है वो मंडे से फ्राइडे के बीच में करना है, क्योंकि अगर आप फ्राइडे के दिन करते हैं तो आपको सैटरडे और संडे की यहाँ पे हॉलीडे पड़ जाती है, जिससे आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पे थोड़ा डिले हो जाएगा, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आप यहाँ पे कोशिश करें कि आप मंडे से यहाँ पे थर्सडे के बीच में कर लें, जिससे जो आपका प्रोसेस है बहुत यहाँ पे तेजी से हो जाता है। और आप यहाँ पे कोशिश करें कि आप जो शेयर ट्रांसफर करें वो यहाँ पे सुबह के टाइम करें, जिससे आपको यहाँ पे शाम को 7 बजे से पहले जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आपको एग्जीक्यूशन डेट हमारी यहाँ पे 3 जुलाई की है, जो हमारा क्योंकि हमने वीडियो पुराना यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, तो चलिए हम यहाँ पे जो अपनी डेट है हम उसको यहाँ पे चुन लेंगे। तो आपकी जो करंट डेट होगी जिस दिन आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप उस दिन की डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो हम अपनी यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको दाएं साइड में दिखाई देगा काउंटर बी ओ आई डी, तो आपको उस पर क्लिक करना है, तो आपको जो बी ओ आई डी वो दिखाई देगी, जो हमारी यहाँ पे धन की बी ओ आई डी होगी जिसमें हमारा यहाँ पे शेयर ट्रांसफर होगा, तो वो आई डी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पहले इतना काम कर लेते हैं। उसके बाद आपको नीचे की ओर बाएं साइड में दिखाई देगा एंटिटी आइडेंटिफायर का विकल्प, तो आपको दाएं साइड में लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सीधे उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको पॉपअप विंडो खुल के आएगी, तो आपको उसमें दिखाई देगा एनए का विकल्प, तो आपको एनए को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ आई साइन डिटेल्स, तो आपको दाएं साइड में लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा प्लस का साइन, तो आपको सीधे उस पर टैप कर देना है। बाद आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी ऊपर की ओर, तो आपको ऊपर की ओर दाएं साइड में पीले रंग से एक बटन दिखाई दे रहा होगा,
तो आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ उसमें अकाउंट ISIN, तो आपको सीधे उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल के आएगा, तो आपको यस बैंक का यहाँ पे शेयर दिखाई देगा जो हमारे डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो आपको दाएं साइड में इसके बैलेंस में दिखाई देगा कि कितनी क्वांटिटी हमारे यहाँ पड़ी हुई है, और आपको जो उसका ISIN नंबर दिखाई दे रहा है बाएं साइड में लाल बॉक्स के अंदर, तो आपको सीधे उसमें क्लिक कर देना है। और फिर आपको यहाँ पे अपनी क्वांटिटी अंकित करनी है कि आप कितनी क्वांटिटी भेजना चाहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उतनी ही क्वांटिटी भेजनी है जितनी आपके डीमैट अकाउंट में है। तो हमारे यहाँ पे एक शेयर दिखाई दे रहा है क्वांटिटी में, तो हम एक ही शेयर यहाँ पे भेज सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, तो हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को अंकित कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा रीजन फॉर ट्रेड, तो आपको सिलेक्ट करके अपना रीजन चुन लेना है। पे हम सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे यहाँ कारण खुल के आएंगे। तो आप यहाँ पे हम यहाँ पे अपने एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब CDSL से CDSL में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ ट्रांसफर टू ओन अकाउंट का विकल्प, तो हम सीधे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप सारी जानकारी यहाँ पे जो मैंने बताई है वो सारी अंकित कर लेंगे, और उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा ओके वाला बटन हरे रंग से लाल एरो से दर्शाया जा रहा है, तो आपको सीधे उस पर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे, तो आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा सबमिट वाला बटन लाल एरो से दर्शाया जा रहा है, तो आपको सीधे उस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने पॉपअप विंडो खुल के आएगी, तो आपको यहाँ पे ओके वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा वेरीफाई वाला बटन लाल एरो से दर्शाया जा रहा है, तो आप उसमें क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगा, तो आपको ओके वाले बटन में क्लिक कर देना है। बाद फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे, तो आपको नीचे की ओर बाएं साइड में खाली डब्बा दिखाई दे रहा होगा, तो आपको खाली डब्बे में टिक कर देना है। और उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कमिट का बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक सेम ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी यहाँ पे अंकित कर देना है और सबमिट वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बाद आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी, तो आपको अपना 8 करेक्टर का जो हमारा शेयर ट्रांसफर वाला पिन होता है, जब हमने यहाँ पे इजी से इजीएस्ट में कन्वर्ट किया था तब ये पिन हमने वहाँ पे बनाया था, तो वही वाला पिन हमें यहाँ पे अंकित करना है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आपको वो वाले पिन यहाँ पे अंकित कर देंगे और ओके वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे, तो आपको बाएं साइड में ट्रांजेक्शन आईडी दिखाई देगी और दाएं साइड में स्टेटस दिखाई दे रहा होगा ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली, तो जो हमारा शेयर ट्रांसफर का जो प्रोसेस है यहाँ पे कम्प्लीट हो गया है। अब ये जो आई रिक्वेस्ट है यहाँ पे डीपी के पास जाएगी, जो हमारा डीपी है जीरोधा, वो इसको ऑथेंटिकेट करने के बाद जो हमारा शेयर ट्रांसफर का प्रोसेस है वो यहाँ पे कम्प्लीट कर देगा। तो अब यहाँ पे हम एक स्टेटस यहाँ पे चेक कर लेंगे जाके एक बार, तो आपको ऊपर की ओर बाएं साइड में 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। और ऊपर से विकल्प खुल के आएंगे, तो सफेद बॉक्स के अंदर दिखाई देगा ट्रांजेक्शन का विकल्प, जैसे ही आप ट्रांजेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको उसके बाद नीचे की ओर विकल्प खुल के आएगा, तो आपको सबसे ऊपर विकल्प दिखाई देगा इंक्वायरी का, तो आपको सीधे उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बाएं साइड में पेज को खिसकाना है, तो आपको सबसे पहला विकल्प यहाँ पे दिखाई देगा सबसे ऊपर ट्रांजेक्शन का लाल बॉक्स के अंदर, तो आपको सीधे उस पर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे ट्रांजेक्शन इंक्वायरी वाले, तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर एक विकल्प दिखाई दे रहा होगा इजीएस्ट का, तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। और आपको नीचे दिखाई देगा एग्जीक्यूशन डेट, तो हमने वो यहाँ पे डेट चुन ली है 3 जुलाई की, जब हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया था, तो आप जिस दिन यहाँ पे ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप उस दिन की डेट यहाँ चुन लेंगे। और फिर उसके बाद आपको नीचे की ओर दाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा सबमिट का बटन लाल एरो से दर्शाया जा रहा है, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। और आपके ट्रांजेक्शन की जितनी भी जानकारी है वो आपके सामने यहाँ पे खुल के आ जाएगी, तो आपको बाएं साइड में एक हरे रंग से एक साइन दिखाई दे रहा होगा प्लस वाला, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। आप हमें नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो स्टेटस है यहाँ पे ट्रांजेक्शन रेडी फॉर डीपी ऑथराइजेशन, तो जैसे ही हमारा जो डीपी इसको अप्रूव कर देगा तो हमारे जो शेयर होंगे यहाँ पे सफलतापूर्वक ट्रांजेक्शन है यहाँ पे हो जाएगा, और हमारे जो शेयर हैं एक डीमेट अकाउंट से मतलब जीरोधा के डीमेट अकाउंट से यहाँ पे धन के डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो जीरोधा का अकाउंट है ट्रेडिंग वाला, तो आपको उसमें जो जीरोधा के शेयर ट्रांसफर के जो पैसे होते हैं जो चार्जेस होते हैं मतलब 25 रुपये और प्लस GST, तो आपको उतना अमाउंट अपने डीमेट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में रखना है जो हमारे शेयर ट्रांसफर के चार्जेस हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें जो जीरोधा के हैं। मैं आपको एक बात बताने ये भूल गया कि अगर आपके जीरोधा में EDIS फैसिलिटी एक्टिव है तो आपको सबसे पहले अपने शेयर्स को यहाँ पे ऑथराइज करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप अपने जो शेयर ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपको शेयर को ऑथराइज करना है, और फिर उसके बाद जो मैंने आपको प्रोसेस बताया शेयर ट्रांसफर का, तो आपको वो फॉलो करना है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। फिर उसके बाद जो हमें मेल प्राप्त होगा, तो मैं वो वाला आपको मेल दिखा देता हूँ जब हमारे शेयर यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे हमारे धन के डीमैट अकाउंट में। ठीक है, आप देख सकते हैं CDSL की तरफ से हमें जो ईमेल प्राप्त हुआ है वो आपको अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है,
तो जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि ये प्रोसेस है जो 7:30 बजे के आसपास ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर मेरा जो धन का डीमैट अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और आपको यहाँ पे जो स्टेटस है इसका यहाँ पे क्रेडिट का वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, क्वांटिटी आपको एक दिखाई दे रही होगी, और जो आई यहाँ पे ISIN नंबर दिखाई दे रहा होगा, और आपको कंपनी का नाम दिखाई दे रहा होगा, और आपको यहाँ पे डेट और टाइम भी दिखाई दे रहा होगा कि 3 तारीख और शाम को 7:24 में जो हमारा प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारा जो थोड़ा सा जो काम बचता है वो हमारा यहाँ पे धन का जो ऐप है वो हम वहाँ पे जाकर उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम वहाँ धन के ऐप में चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने धन के ऐप में हम आ गए हैं, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपके पास धन का यहाँ पे डीमैट अकाउंट है और ट्रेडिंग अकाउंट है तो आपको यहाँ पे जो ऐप का इंटरफेस है इसका, तो आपको यहाँ पे मध्य में दिखाई दे रहा होगा पोर्टफोलियो का विकल्प, तो आपको सीधे उस पर टैप कर देना है। फिर आप यहाँ पोर्टफोलियो वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर की ओर लाल बॉक्स के अंदर दिखाई देगा स्टॉक्स का विकल्प, तो आपको सीधे उस पर टैप कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यस बैंक का शेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो हमारे यहाँ पे 6 क्वांटिटी दिखाई दे रही होंगी। तो इससे पहले हमने 5 क्वांटिटी पहले से बाय कर रखी थी, तो हमारी आपको यहाँ पे एक नोट भी दिखाई दे रहा होगा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फ्यू होल्डिंग्स डू नॉट हैव एवरेज बाय प्राइस। तो मतलब इसका ये है कि अभी जो हमने शेयर ट्रांसफर किया है तो उसी का यहाँ पे ये एक नोट दिखाई दे रहा है कि उसका जो एवरेज प्राइस है वो यहाँ पे उसमें यहाँ पे हमें खुद एंटर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे नीचे जहाँ पे दिखाई दे रहा है लिखा हुआ काले बॉक्स के अंदर एड प्राइस, तो आपको सीधे उसके ऊपर टैप कर देना है। और फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी आपको एक दिखाई दे रही होगी जो अभी हमने एक अभी अपना शेयर ट्रांसफर किया है। तो आपको यहाँ पे जो दाएं साइड में लाल बॉक्स के अंदर जो प्राइस दे रखा है आपको वो एवरेज प्राइस अंकित कर देना है। तो हमने जीरोधा में स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, तो हम उसी प्राइस को यहाँ पे देख के अंकित कर देंगे। और उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा क्वांटिटी इन डीमैट अकाउंट, तो आपको 6 दिखाई दे रही होगी, लेकिन आपको एक दिखाई दे रहा होगा नीचे लिखा हुआ क्वांटिटी विदाउट प्राइस, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा दाएं साइड में एक। तो मतलब ये एक जो विदाउट प्राइस का जो हमारी एक क्वांटिटी दिखाई दे रही है वही क्वांटिटी है जो अभी हमने एक शेयर ट्रांसफर किया है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा एवरेज बाय प्राइस, तो हम वहां पे अंकित करके अपना जो एवरेज बाय प्राइस है वो वहां पे अंकित कर देंगे। और उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा ट्रेड डेट, तो मतलब जिस समय हमें मतलब इस शेयर को बाय किया था जीरोधा में, तो हमने वही वाला यहाँ पे जो प्राइस होगा वो यहाँ पे अंकित कर देंगे। तो चलिए हम वहां पे जीरोधा में देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा जीरोधा का स्क्रीनशॉट यहाँ पे, तो यस बैंक का जो एवरेज प्राइस हमने जो बाय किया है वो 21 रुपए 50 पैसे के आसपास किया है, तो हम इसको यहाँ पे देखकर वहां पे अंकित कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा एवरेज प्राइस हमने यहाँ पे अंकित कर दिया है, अब इसके बाद हम ट्रेड जो हमारे ट्रेड का डेट है वो भी हम यहाँ पे अंकित कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सारी जानकारी यहाँ पे अंकित कर दी है। उसके बाद आपको नीचे की ओर दाएं साइड में दिखाई देगा सेव प्राइस का बटन हरे रंग से, तो आपको सीधे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे 6 के 6 यहाँ पे शेयर हैं सफलतापूर्वक यहाँ पे उनका प्राइस सफलतापूर्वक यहाँ पे सेट हो गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आप भी यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस तरह हम यहाँ पे शेयर ट्रांसफर करते हैं एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में। जो हमारा यहाँ पे CDSL से CDSL का प्रोसेस था, तो अगर आपका डीमैट खाता जीरोधा में है, अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं धन में, या धन में या आप जीरोधा में ट्रांसफर करना चाहते हैं या किसी अन्य ब्रोकर में करना चाहते हैं, तो जो CDSL, तो CDSL का जो प्रोसेस है वो मैंने इस वीडियो में समझा दिया है स्टेप वाइज। तो आपको भी इसी सेम प्रक्रिया का पालन करके अपने शेयर ट्रांसफर जो का प्रोसेस को प्रक्रिया को पालन करना है स्टेप वाइज जैसे मैंने वीडियो में बताया है। तो मैं आप आशा करता हूँ आपको भी ये प्रक्रिया समझ में आ गई होगी पूरी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।